दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। बाजार शॉर्ट्स हमारी एनालिसिस सीरीज है जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कम से कम समय में आपके साथ पूरे मार्केट को डिस्कस कर दें, कहां मार्केट जा सकता है आने वाले एक दो दिन में और हमें कैसे मार्केट को फॉलो करना है या क्या स्टेप्स लेना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके मार्केट्स का। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम करना है आपको नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर ये चैनल शेयर करिए। वो लोग जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए, बहुत सारे एडुकेशन वीडियोज़ हम लोगों ने पोस्ट करके रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप जिसको देख कर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और मार्केट्स के उतार चढ़ाव से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और आज का बाजार शॉर्ट देखते हैं। हम शुरू करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से और आज का ये जो बड़ा फॉल आया, आप देखो कि जिस ढंग से मार्केट ऊपर खुलता है और उसके बाद पूरे दिन लगातार सेलिंग आती है और अच्छे वॉल्यूम्स पे आती है, अबव एवरेज वॉल्यूम्स है, अच्छी वॉल्यूम्स पे सेलिंग आई है। सेलिंग आके इसमें देखिए दो बातें हो सकती है। पहले तो हम ये बोलेंगे कि जो ये मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में था, थोड़ा सा एक्सटेंडेड था, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। ये हमारा जो कस्टम इंडिकेटर है अभी देखिए थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, जो ये बताता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है और हो सकता है यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ पुल बैक हम लोगों को दे। एक चीज़ आप देखो कि ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ पर ये हमारा मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और ये प्रीवियस प्राइस सपोर्ट है, तो एक मल्टीपल सपोर्ट लेवल पे भी है और अगर मार्केट्स यहाँ से ऊपर मूव करता है, अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है और मूव करता है ऊपर की तरफ, जब हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर का कंटिन्यूड रहेगा और हमें अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर आप प्राइस एक्शन को देखें, प्राइस पैटर्न को समझें, तो अभी भी हम हायर हाइज और हायर लोज बना रहे हैं, तो अभी तक हमें एक जो प्रीवियस लोज है वो इंटैक्ट है, प्रीवियस हाइज भी इंटैक्ट है, तो अभी तक जब तक ये हायर हाई और हायर लो का सिलसिला जारी है तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है ट्रेंड में। और ये जो लेवल है, जैसे इम्पॉर्टेंट लेवल, एक 17,500 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल तोड़ देता है, अगर यहाँ पर भी नहीं टिक सकता है, देन मोस्ट प्रोबेबली हम ये 17,150 के आसपास आ सकते हैं, जहाँ पर ये प्रीवियस डिमांड एरिया भी है और ये हमारा प्रीवियस जो 50 डे का मूविंग एवरेज है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 17,100 के आसपास आ सकते हैं वापस हम, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी सपोर्ट पे है तो ऐसा कोई पैनिक क्रिएशन नहीं है। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसे रनअप के बाद ऐसा मूवमेंट मिले तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अब कंसर्निंग बात की हम बात करें तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न कैसे बनता हुआ दिखाई देगा, ये देखिए ये एक्चुअली में एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन जो आपके सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक बहुत ही उमदा पैटर्न होता है जिसमें बहुत स्ट्रेंथ होता है और एक अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका नेकलाइन आप बोल सकते हो ये लेवल्स हैं। तो अगर यहाँ से ये नेकलाइन ब्रेक होती है और वापस फिर हम को देखेंगे कि ब्रेक होने के बाद क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कैसा रिटेस्ट होता है, उसके बाद एक मिनी टॉप हम बोल सकते हैं निफ्टी में यहाँ बन सकता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। हमने ट्रेंड्स के दोनों पहलू को देख लिया, ट्रेंड वापस रिजम्पशन के लिए, ट्रेंड में अगर वापस ट्रेंड दिखानी है, वापस अगर ट्रेंड को रिज्यूम होना है तो हमें ज़रूरी है कि 17,865 के ऊपर एक अच्छा क्लोज मिल जाए। 17,865 के ऊपर हमें अगर अच्छा क्लोज मिलता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ से वापस ऊपर की तरफ रिज्यूम कर जाएगा। जैसे वापस मैं दोहरा रहा हूँ, अभी ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है और हम लोग एक सपोर्ट के पास है। अगर एक दो दिन और कोई रेसिडुअल सेलिंग आती है तो हमें यहाँ पर इन लेवल्स को 17,100 या 17,000 के लेवल्स पर ध्यान रखना है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ठहराव था, बैंक निफ्टी वैसे नहीं क्रैक कर रहा था, उस तरह से नहीं गिर रहा था जिस तरह से निफ्टी गिर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो निफ्टी में ऑल टोटल निफ्टी ने लूज किए 1.41% और बैंक निफ्टी ने महज 0.63% ही लूज किया। तो बैंक निफ्टी हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग था, यहाँ पर बैंक निफ्टी में ज़्यादा ठहराव थी और बैंक निफ्टी भी अभी भी फ्रेंड्स देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। तो ये एक लेवल जो है
वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो एट ए वेरी गुड सपोर्ट। नाउ अगर इनकेस ये सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर ये पिवट लो आप बोल सकते हो समवेयर ईयर जो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स के पास है, और यहाँ पर एक मूविंग एवरेज जो है 50 डे का मूविंग एवरेज है उसका कन्फ्लुएंस भी है। तो 37,000 के आसपास बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 37,000 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है। और ये देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बैंक निफ्टी में भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए टॉपिंग पैटर्न दोनों में बन रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि निफ्टी ये पैटर्न को नेगेट करे। अगर नेगेट नहीं करती है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इस पैटर्न को नेगेट नहीं करती है, तब हो सकता है इनवर्स के सिनेरियो हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक टॉपिंग पैटर्न बन रहा है, तो इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर भी एक टॉपिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेट होने के लिए और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से आने के लिए 38,200 के ऊपर हमें क्लोजर चाहिए, और एक बार वो क्लोजर हो जाता है तो वापस हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी मिल सकती है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट वी आर एट एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है और सपोर्ट पे है। तो हम कोई भी चीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एडवांस जाने की, मार्केट से आगे निकलने की कोशिश तो ऑफकोर्स हमें नहीं करना चाहिए, तो हम वो वैसा कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेवल्स हमारे पास है और हम लेवल्स को वॉच करेंगे। बाकी अगर आप देखोगे ऑल ओवर द मार्केट सेगमेंट आज अच्छी सेलिंग आई, आप यहाँ पर देखिए निफ्टी 500 में भी अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप, देखिए स्मॉल कैप में अगर आप इस एक अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें, देखिए एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन था यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ अभी इंडिकेटर्स की बात नहीं करते। देखिए कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन था, वहाँ से ब्रेकआउट करके हो सकता है कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट को वापस रीटेस्ट कर रहा है। मिड कैप में भी एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन थी और देखिए उसको वापस रीटेस्ट कर रहा है। तो एक तरह से ये हो सकता है कि ये जस्ट जो ये करेक्शन है ये एक जस्ट जनरल नॉर्मल करेक्शन है जो कि इन द कोर्स ऑफ अप ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल सकती है, और शायद हमें वही देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो अभी तक ये करेक्शन कुछ इतना खतरनाक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सेल एंड गो राइट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें जस्ट अपने पोजीशंस को ट्रेल करना है, स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है, और जहाँ पर जैसे कि अभी भी टाइम है, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि कोई कचड़ा है तो उसको निकाल दीजिए अपने पोर्टफोलियो से, अच्छे क्वालिटी नेम्स के साथ स्टिक करिए। एक बार यूएस मार्केट्स में नज़र डाल लेते हैं। देखिए यूएस मार्केट्स को अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। यहाँ पर देखिए ये अगर आप देखोगे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का चार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है, प्रीवियस पीवेट के पास है। S&P 500 को भी देखेंगे आप तो हालांकि 200 दिन के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर है, लेकिन आप देखिए प्रीवियस पीवेट लेवल्स पे है। तो वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें, S&P 500 की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, तो दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है और एक इंपॉर्टेंट जोन पे है। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं फ्रेंड, देखिए डॉलर इंडेक्स जो हम लोगों का टारगेट था वो ऑलमोस्ट उस टारगेट के आसपास है, और यहाँ पर एक प्रीवियस अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो यहाँ से अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ी सी और तेजी दिखाता है, समझिए 20 पैसे की तेजी दिखाता है, 20 सेंट की तेजी दिखाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स 94.65 के आसपास आ जाए, 94.7 के आसपास आ जाए, जहाँ पर ये जो हमारा टारगेट था वो भी मीट हो जाता है और एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास भी हम आ जाते हैं। तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स या तो कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स भी हम बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। तो आप देखिए सब चीज़ कैसे सिनर्जी आ रही है, कैसे एक साथ जेलिन हो रहा है। S&P 500 सपोर्ट पे है, डाउ जोन सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब सपोर्ट पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि ये एक जस्ट नॉर्मल करेक्शन हो और यहाँ से ट्रेंड वापस रिज्यूम करे, तो अभी हमें ऐसे कुछ घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ हमें सोचने की बात नहीं है कि कल ही हमें सब बेच के ख़त्म कर देना है, कल ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट होल्ड ऑन टू योर स्टॉक्स, और ऑफकोर्स रिस्क मैनेजमेंट है, अपने स्टॉप लॉस को जरूर से फॉलो करें, स्टॉप लॉस को बार बार चेंज नहीं करें। तो ये अच्छा एक यूएस डॉलर में भी देखेंगे तो अच्छी तेजी आज देखने को मिली। यहाँ पर अगर हम यूएस डॉलर के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन अभी भी हम बात करें तो एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन में ही है। ये देखिए एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन में ही है यूएस डॉलर भी। तो अभी और यहाँ से हमें स्ट्रेंथ चाहिए और यहाँ से हमें और इंडिकेशन चाहिए जो हमें बताएगा कि यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ आ गया है। लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ करेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। जब तक हमारा ये पीवेट इंटैक्ट है तब तक निफ्टी इज़ ऑल राइट।
बैंक निफ्टी इज ऑल राइट। और अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप को देखोगे तो वो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है। यूएस मार्केट्स भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे नजर आ रहे हैं। तो अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट पे जो हमें बोलते हैं कि जो ऐसा हमें बोले कि सेल एवरीथिंग एंड गो, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल वेट फॉर फर्दर सिग्नल्स। हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा एक दो दिन के लिए रेस्टूवल सेलिंग आए। तो स्टे विथ योर स्टॉक्स, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेटअप एंड डू प्लेस स्टॉप लॉस एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। आज के लिए इतना ही। मैं रजुनी वाला आप सबसे इजाजत लेता हूँ। कुछ नया अपडेट आएगा और कुछ लगेगा कि आपके साथ डिस्कस करना है तो हम ऐसे वीक के बीच में आके आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत।